दोस्तों, अगर आप अपनी ट्रेन की टिकट को बुक करने जा रहे हैं और अगर आपको वहां पर रिग्रेट लिखा आ रहा है और आप अपने टिकट को बुक नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों रिग्रेट का क्या मतलब होता है, ये काम क्या करता है, साथ में आपको रिग्रेट लिखा होने के बावजूद भी अगर आपको अपने टिकट को बुक करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते जाइएगा। मैं आपका सारा डाउट बिल्कुल ए टू जेड क्लियर कर दूंगा। साथ के साथ मैं आपको इस वीडियो को स्किप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो यहीं से स्टार्ट होने वाला। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे कि आखिर रिग्रेट होता क्या है, उसके बाद बात होगी कि आखिर आपको इसमें टिकट को बुक कैसे करना है। तो दोस्तों, आपके कोच में जो है फिलहाल पहले फ्री सीटें होती हैं, यानी कि बिल्कुल खाली सीटें होते हैं। जब वो सीटें पूरी फुल हो जाती हैं तो रेलवे आपको वहाँ पे वेटिंग वाली टिकट देना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, वेटिंग की भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट क्रॉस होने के बाद जो है वहाँ पे रेलवे रिग्रेट लिख देता है, यानी कि अब उसमें वेटिंग टिकट की भी बुकिंग अलाउड नहीं होती है। तो दोस्तों, वेटिंग टिकट की एक लिमिट क्रॉस होने के बाद आपको वहाँ पे रेलवे रिग्रेट लिख देता है, यानी कि अब इसमें कोई भी बुकिंग नहीं होगी। अब दोस्तों, यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। बहुत सारे लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि अगर ऑनलाइन मोड से वहाँ पे बुकिंग में रिग्रेट लिखा रहा है तो वो दौड़ के जाते हैं वहाँ पे काउंटर पे और सोचते हैं कि काउंटर से जाने के बाद उनको वहाँ पे टिकट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑनलाइन मोड से रिग्रेट लिखा रहा है तो रेलवे के काउंटर पे भी आप दौड़ के चले जाएंगे तो भी वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट लिखा हुआ है तो वो भी आपको वहाँ पे टिकट नहीं दे पाएंगे। अब फाइनली हम लोग ये समझते हैं कि अगर रिग्रेट लिखा रहा है तो उस सिचुएशन में आप अपनी टिकट को कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक सिनेरियो बताया था कि आपकी कोच में पहले फ्री सीटें होती हैं, जब वो बुक हो जाती हैं तो रेलवे आपको वेटिंग की टिकट देता है और जब वेटिंग की लिमिट भी क्रॉस हो जाती है तो रेलवे वहां पर रिग्रेट लिख देता है। तो दोस्तों, अभी सिचुएशन में आपको टिकट कैसे बुक करना है, आपको क्या करना है, सिंपल सा वेट करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे वेटिंग की जो टिकट होती हैं वो कैंसिल होती हैं और जैसे ही एक भी वेटिंग की टिकट कैंसिल होगी वहां पे जो बुकिंग है वो अलाउड हो जाएगी, या फिर कोई भी एक कन्फर्म टिकट अगर कैंसिल होती है तो जहां पे रिग्रेट लिखा है वहां पे वेटिंग वाले स्टेटस बन जाएगा और उसके बाद आप चाहें तो ऑनलाइन मोड से अपनी टिकट को बुक कर लीजिए या फिर रेलवे के काउंटर से जाके अगर आपको बुक कराना हो तो आप वहां से भी करा सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आप अपना स्टेटस चेक करते रहिए, जैसे ही वहां पे एक भी कोई टिकट कैंसिल होगी या फिर वो कन्फर्म वाली हो या फिर वेटिंग वाली हो वहां पे जो वेटिंग टिकट है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, यही था रिग्रेट का मतलब, आपको इसमें टिकट को कैसे बुक करना है, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अगर आपके मन में भी कोई डाउट रह गया हो तो बेचक आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर भी ऐसी नॉलेज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंफॉर्मेटिव के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैप्पी जर्नी एंड बाय बाय।